यही तकलीफ है, तुम खुश होती हो और भुगतना हमें पड़ता है। खुश हो रही और डांग तोड़ती मेरी। रख रख। क्या बात है मई, आज किस बात पर खुश हुई हो तुम? अरे सागर जी, मेरी दोस्त कमुड़ी है ना, उसका फोन आया था, वो भावनगर वाली। वो कह रही थी कि वो बहुओं के लिए नया संगठन शुरू कर रही है, सासू माओं के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन। मैं सदस्य बनाने की शुरुआत ना नड़ियाद से करूंगी। नड़ियाद? नहीं नहीं मई, नड़ियाद नहीं यहाँ, बिल्कुल नहीं। क्यों सागर जी, नड़ियाद क्यों नहीं? मैंने एक बार कह दिया ना नड़ियाद नहीं तो मतलब नड़ियाद नहीं, समझी? चलो बाय, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। लेकिन ऐसे कैसे नड़ियाद नहीं? देखिए भाभी, आप भी हमारे साथ नड़ियाद चलना। पर क्यों भाभी? जरा सोचिए, अगर कभी भी आपको ऐसा रोल मिलेगा तो अभिनय करने में आसानी होगी ना। हाँ मही, तब तो ठीक है, मस्त है, मस्त, चलो। हाँ? हाँ? तो फिर चलो चलते हैं नड़ियाद। हाँ। हे भगवान, नड़ियाद वालों को बचाना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी हमारे साथ आ गए। पर मही, सोनिया को ये समझ में नहीं आ रहा कि कन्हैयालाल तो बहू नहीं है, तो फिर हमारे साथ क्यों है? अरे सोनिया भाभी, मैं बहू नहीं तो क्या हुआ, लसोया तो हूँ ना, और लसोया होने के नाते मैं बहू का दर्द अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। लेकिन मई, हम कौन से घर से शुरुआत करेंगे? ए भाभी, किसी भी घर में घुस जाएंगे, और वैसे भी हर घर में एक बेचारी बहू तो होती है और एक खड़ूस सुमा भी होती है। हाँ, क्या डायलॉग मारा है, मस्त है, मस्त। चलो मई, इसी घर से शुरुआत करें। हाँ चलो, घुस चल चल। टिंग टोंग, मस्त है जी। आप लोग? हम जय अम्बे, जय अम्बे। देखिए काका, हमारी पहचान हम आपको बाद में आराम से देंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताइए, इस घर में कोई बेचारी बहू है? क्या बेचारी बहू? मही, देखो ना, घर कितने अच्छे से सजाया है, तो बहू तो होनी ही चाहिए, बेचारी बहू ने ही किया होगा ना सब कुछ। हाँ, वाह भाभी वाह, क्या दिमाग पाया है आपने। पार की नजर। दादा तुझ मत हो, वो दे तो सामने। कौन लोग हो आप लोग? हाँ, और अंदर कैसे आए? क्या काम है आपको? किससे मिलना है? आप भी ना, आपने कैसे अंदर आने दिया इन्हें? मिल गई, मिल गई सासुमा, मिल गई। इतने सारे सवाल तो धड़ धड़ एक सासुमा ही पूछ सकती है। आप लोगों को तो मौका चाहिए होता है नहीं ये सवालों की बमबारी करने का, और अगर सामने बेचारी बहू खड़ी हो तो सासुमा का नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है एकदम भमा भम, है ना? एक ग्लास पानी की जगह तानों की बरसात शुरू हो जाती है नहीं? ओ हाँ, आप क्यों हाँ कहेंगी? हाँ तो बेचारी बहू ही कहेगी ना, बहू। हंसी तो मुझे भी आ रही है, ये लड़की कैसे पटाखे फोड़ रही है। अब आप लोग बताएंगे कि आपको क्या चाहिए? इंसाफ, आज बहू को इंसाफ चाहिए। काकी जी, ससुर जी, ससुर जी, आप बताइए, आपके घर में भी यही सब चलता है ना? सासु माँ पूरे दिन अपनी बहू को ताना ही मारती रहती है। आ गई बहू रानी मायके से, लेकिन सासु माँ घर के काम से फुर्सती कहाँ मिलती है कि मैं मायके जाऊंगी? मैं तो बिजली का बिल भरने गई थी। बोली बहू रानी, तुम बिजली का बिल भरने गई थी तो मैं क्या यहाँ स्विच ऑन ऑफ कर रही थी? ओहो सासुमा, स्विच ऑन ऑफ करते करते तो आपकी उंगलियां दर्द करने लग गई होगी नहीं? क्योंकि आपको काम करने की आदत नहीं है ना। ए बहू रानी, क्या बोली तू? हाँ, तो समझती क्या है कि घर का सारा काम तो अकेली करती है? है? और नहीं तो क्या सासुमा, आपकी वो प्यारी पड़ोसन मिसेस चटोरी, जिसे ठीक से खाना भी खाना नहीं आता, वो घर का काम कर जाती है क्या? देख बहू रानी, मिसेस चटोरी के बारे में कुछ भी मत बोला, वरना 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 क्या सासू माँ, वरना क्या? आप अपने बेटे से मेरी शिकायत कर लेंगी? नहीं, तुझे घर से निकाल दूंगी बहू। अच्छा, लेकिन सासू माँ सोचे, मुफ्त की नौकरानी को अब घर से बाहर निकाल दोगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? ए बहू, तो कहना क्या चाहती है? हाँ,
अरे तेरे इस घर में आने से पहले ना घर का सारा काम मैं अकेली करती थी, खुद करती थी, समझी बहू? बात 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 मई भाभी बात। ये सब क्या था? सास बहू की नोक जोक। उसमें बेचारी बहू पर कितने जुल्म होते हैं ये सब बता रही है मही। क्या बात कर रही हो बेटा? हाँ? मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। अरे ससुर जी यही सब तो हम बताने आए हैं आपको। ठीक है अब मैं मुद्दे की बात करती हूँ। वो क्या है ना ससुर जी, हम लोग घर घर जाकर बहुओं को सदस्य बना रहे हैं बहु बचाओ संगठन के लिए। बोलो बहु बचाओ संगठन की जय जय जय। बहु बचाओ संगठन, ये क्या है? मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई बेचारी बहू, मिल गई बेचारी बहू, बेचारी बहू। देखिए बहू जी अब बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग आ गए हैं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए हमारे संगठन में सासू माँ के अत्याचारों पर जवाब कैसे दिए जाते हैं वो सिखाएंगे। अरे एक ताने के बदले दो ताने कैसे मारते हैं वो सिखाएंगे। सासू माँ की बातों का तिल का ताड़ कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। लेकिन मुझे आपके संगठन में शामिल होना ही नहीं है क्योंकि मेरी सास तो है ना मेरी माँ जैसी है। अरे भाभी भाभी जी आप घबराइए मत, आपको जो तहना है दिल खोलते तहिए। अगर एक तलब आपकी छाछ है तो दूसरी तलब दही है। नहीं मही है। हाँ मही है मही। मैंने बोल दिया ना आप लोगों को, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैं इन्हें अपनी सास नहीं अपनी माँ ही समझती हूँ, और वो भी है ना मुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी ही समझती है। इसलिए आप लोग सब चले जाइए, मुझे आपके ये बहू बचाओ संगठन में शामिल नहीं होना है, समझे? अरे नन्ना कैसे कैसे बेचारी बहू। नहीं बाबे ये तो उल्टा घर लग रहा है, इधर बहू का अत्याचार लग रहा है मुझे तो। अरे आई एम सो सॉरी, मैं ही भूल गई आपको दवाई देना इन सब झमेलों में। रुकिए पहले दवाई ले लीजिए और पानी पी लीजिए। बहुत दर्द हो रहा है ना? बिल्कुल बोलना बंद है, डॉक्टर ने मना किया है ना आपको मुंह खोलने से। अरे कुछ नहीं, कोई बहू बचाओ संगठन वाले आए हैं बहुओं का नाम लिखाने के लिए। मैंने तो साफ मना कर दिया, मेरी सास तो मेरी माँ जैसी है। एक काम कीजिए आप आराम कीजिए, मैं जरा देख के आती हूँ। कितना बोला जाइए जाइए सुनते ही नहीं है मेरा। अरे आप लोग अभी तक गए नहीं, यहीं पे हो? देखिए मैंने कह दिया ना मुझे आपके किसी भी संगठन का सदस्य नहीं बनना है। अरे पर हम तो आपकी मदद के लिए आए हैं। देखिए आप अगर मेरी मदद ही करना चाहते हैं ना तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। ठीक है बेचारी बहू, लेकिन सुनो कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े ना तो मुझे याद कर लेना, वही मेहता का दरबार आपके लिए हमेशा खुला रहेगा बेचारी बहू। चलो बहनों भाई और बहन चलो। नड़ियाद नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। क्यों सागर जी नड़ियाद क्यों नहीं? मैंने एक बार कह दिया ना नड़ियाद नहीं तो मतलब नड़ियाद नहीं।
कांदा जो फूटे हैं ता। सागर भैया, पहली बार सोनिया आपसे ना खुश हुई। अरे तुम लोगों को हो क्या गया है? ये सब लोग मिलके मेरे बेटे को सागर सागर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि काका जी, इनका नाम सागर मेहता है। ये मेरे पति देव जी और मैं इनकी पत्नी हूँ। लेकिन सागर जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़े धोखेबाज निकले आप। अहमदाबाद में मैं मही 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 और यहाँ नड़ियाद में ये क्या, 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 क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। सीमाड़ी। मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई पापा। सोनिया फिर से खुश हुई। माय गॉड, अगर सोनिया को ऐसा कोई कैरेक्टर मिला ना तो सोनिया बहुत अच्छी तरह से करेगी। क्या बात है, ऐसे हाथ रख के आप तो मस्त कैरेक्टर के अंदर ऐसे बह गए हो। एक मिनट, ये कोई कैरेक्टर में बह गए नहीं है, ये तो इनकी दांत दुख रही है ना, इसलिए डॉक्टर ने उनको बात करने से मना किया हुआ है। अच्छा, जो भी है, मस्त है। तो आप? मैं तो लुट गई अबे बाप, उठा ले पापा, उठा ले। अमिल भाई, अल्ले अल्ले, ये सब कौन है? बोल अपने दल में क्या चल रहा है? चले तो ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे ही बोलता है। तुझे ऐसी धजा पहुँचाऊ दाना कि तुझे बोलने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर जन्म लेंगे हम। एक मिनट, ये जन्म से ही ऐसे ही है। सोनिया खुश हुई। माले तमिल भाई है। खोलेगा भाग्य लक्ष्मी, अभी तो दर्द सहन करने में उसकी भलाई है। बस बहुत हो गया, अब मैं मेरी सासू माँ को यहाँ बुलाती हूँ, फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो सासू माँ, मैं आपकी बहू बोल रही हूँ। मही, तुम्हारी सास ने क्या कहा? वो सासुमा मीटिंग में तो फोन काट दिया। मैं भाभी, आप क्या करेंगे? इनको घर पे उठा के लेके जाते हैं।
बस मीरा, अब करना क्या है? जहां मेरे पति देव जी, वही मेरा धाम। अरे ये मेरे पति है। नहीं सागर जी, मेरे पति देव जी है। मही भाभी, मीरा अब तो घरोड़िया की ये सब यही में हम पूछ ले, हमें तो बताया भी नहीं। हाँ? अरे मुझे भी अभी पता चला, सागर जी ये हमारे बच्चे डबुड़ी और मोंटू। अबे मैं क्या करूँ। मस्त है, मस्त। सोनिया की फिल्म में ऐसा सीन जरूर होना चाहिए। भाभी नहीं है, वो भी आ जाएगी सोनिया भाभी, क्योंकि अब तो हम सब लोग यही रहेंगे। वाह मस्त, यही रहेंगे। हाँ, मस्त। लेकिन भाभी मैं क्या चलूं, मैडम के पास तीसरी तो जाना पड़ेगा ना। हाँ वीरा, ये वीरा हम लोग एक काम करेंगे, सासू माँ को भी यही बुला लेंगे, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, क्या कहते हो? हाँ मस्त है। हाँ, मिलजुल कर। अभी तो तुम कह रही थी कि सासू माँ के खिलाफ बहुओं का संगठन कराने निकली हो। हाँ, वो भी सत्य है और ये भी सत्य है। ऐसा कैसे हो सकता है, दो दो सत्य? मैं भाभी ने बोला तो दो सत्य। अरे मेरे लिए तो एक ही सत्य है कि ये मेरे पति है और मैं इसी घर की लक्ष्मी हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे पति के मुताबिक इस घर की लक्ष्मी मैं हूँ। देखिए आप मुझसे ऐसे बहस मत कीजिए, आप मेरी सास नहीं है। ओ ओ बहन, आप तो मेरी सास हो भी नहीं सकती। कुछ देर पहले तो अपनी सासू माँ की बुराई कर रही थी और अब बड़ाई कर रही हो। अरे ये मही की और मॉम की जुगलबंदी है ही ऐसी। हाँ दोनों की ऐसी जुगलबंदी है ना कि एक बार देख लो तो दो बाला देख ना पाओ, और दो बाला ना देखो तो मन को संभाल भी ना पाओ देखने के लिए। और सच बात तो ये है, हम दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तू तू मैं नोक झोंक, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं, और वही बात हम लोगों को अलग नहीं होने देती। लेकिन यहां देखिए, मैं कितनी देर से इस घर में हूं लेकिन आप दोनों तो एक दूसरे से कुछ कहती ही नहीं, ना तो सास बहू से कुछ कहती है और ना ही बहू सास से कुछ कहती है। अरे ऐसी जिंदगी थोड़ी जी जाती है, नोक झोंक के बिना तो जिंदगी अधूरी है, फीकी फीकी लगती है, थोड़ी मिठास तो चाहिए ही होती है। ना 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 पापा, इस घर में तो बहुत ही प्रॉब्लम है। देखिए सौतेली सासू माँ, मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। और मेरा तेरे साथ गुजारा नहीं होने वाला है, इसलिए यही बेहतर है कि तू यहाँ से चली जाए। हाँ। मैं अपने पति देव को लिए बिना नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है, रह लूंगी मैं इनके बिना सासू माँ के साथ। मैं भाभी ये क्या दे लिया आप? लेकिन एक शर्त पर, यही बात मैं सागर जी के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, फिर मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं कौन सा
सागर भैया, ई सागर भैया, ये बस। भाग्य लक्ष्मी, तुमने बताया नहीं कि हमारे जुड़वा बेटे थे, तुम के मेले में गई थी क्या जो बिछड़ गया था? Oh my God, सागर भैया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे राम और श्याम। थांकू 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 सागर जी यहाँ आने के लिए। थैंक यू, मुझे नहीं, घर जाके अपनी सासू माँ को बोलना, क्योंकि मॉम ने मुझे कहा कि सागर जाओ देखो, शायद किसी प्रॉब्लम में फंस गई है मेरी चापली। प्रॉब्लम है सागर जी, और प्रॉब्लम तो होगी, आपका हम शक्ल जो देख लिया हमने जुआ। वो कहते हैं ना कि एक ही शक्ल वाले दुनिया में सात लोग होते हैं। हाँ। सागर जी, आपका हम शक्ल तो यहाँ नड़ियाद में ही मिल गया, बोलो। हाँ। वो अरे जिस काम के लिए आए थे वो करना तो भूल ही गए। अच्छा बेन, अब तो आप अपना नाम लिखवाएंगे ना? हाँ हाँ, आपकी तरह सासू माँ के साथ नोकझोंक करनी है और घर को खुश खुशहाल रखना है तो मैं भी तैयार हूँ, लिखो मेरा नाम। सीमा समीर पटेल। वाह भाई वाह, बोलो बहू बचाओ आंदोलन की जय।